Okay, so credit creation function of commercial bank, ये हमने कल start किया था, तो continuing with the previous lecture, इसके बारे में कुछ terms जो आपको पता होनी चाहिए थी वो मैंने already बता दी थी, brief में बता देती हूँ. You should be aware about the terms like primary deposit. Primary deposit is the amount deposited by the public in the commercial banks. Then legal reserve ratio. It's the fraction of the deposits which the commercial banks are required to keep with themselves. Okay, they cannot lend this fraction to the public. They are required to keep with themselves or with the central bank. इसके दो components होते हैं, statutory liquidity ratio and cash reserve ratio. Then बेटे secondary deposit. What are secondary deposit? जब प्राइमरी डिपॉजिट के बेसिस पर जो कैश आ जाता है बैंक के पास, उसमें से कुछ अमाउंट अपने पास रखने के बाद, लीगल रिजर्व रेशियो रखने के बाद, जो एक्सेस कैश रिजर्व होता है उसको कमर्शियल बैंक लेंड आउट कर देता है. नाउ व्हेन इट लेंड्स आउट मनी, इट डज नॉट गिव द बोरोअर द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश. अगर मैंने लाख रुपए का लोन बैंक से मांगा तो बैंक मेरे को एक लाख रुपए का कैश नहीं देगा. बैंक वो मेरे नाम का एक अकाउंट खोल देगा जिसमें उतनी मनी क्रेडिट कर देगा. तो वो जो अकाउंट खोला गया उसको कहा जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट. ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट तो हमने पैसे जमा कराए, वो बैंक ने डिपॉजिट खोल दिया, उसको प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है. लेकिन सेकेंडरी डिपॉजिट में किसी ने पैसे नहीं डिपॉजिट कराए, रादर वो बैंक ने लोगों को लोन की फॉर्म में दिए हैं, लेकिन कैश में देने की बजाय उनके नाम का एक अकाउंट खोल दिया गया जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी सप्लाई, हाउ दे बिकम द सप्लायर्स ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, एंड दैट टू मच मोर देन द अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट. अभी तक आपको एक बात क्लियर होगी, आपको पता है मैम इसमें क्या बताने की बात है, बैंक के पास जो डिपॉजिट होता है उसमें से कुछ अमाउंट वो रख लेता है, बाकी वो लोन की फॉर्म में दे देता है. ठीक है, 200 उसने रख लिया, 800 रुपए का लोन दे दिया, तो ये दोनों डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि भी ये भी ऑन डिमांड विदड्रॉ हो सकता है, ये भी ऑन डिमांड विदड्रॉ हो सकता है, ये दोनों ही डिमांड डिपॉजिट का हिस्सा है, तो ये मनी सप्लाई का कंपोनेंट बन गए. मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट. सो सेकेंडरी डिपॉजिट बीइंग डिमांड डिपॉजिट, तो आपने कहा ठीक है हमें पता चल गया कमर्शियल बैंक ने 800 रुपए का लोन क्रिएट कर दिया. नो, कमर्शियल बैंक आपको यहां तक पता चल गया कि उसने 1000 के पीछे 800 का लोन क्रिएट किया, यानी 800 रुपए से मनी सप्लाई में इंक्रीज किया. बट वॉट यू डोंट नो इज दैट कमर्शियल बैंक क्रिएट many more times the credit than the amount of primary deposit with them. Commercial banks ke paas bete agar 1000 rupaye ka deposit hai to uske badle wo 5000 ka, 10000 ka, 20000 ka bhi credit create kar sakta hai. Kitna karega ye depend karega legal reserve ratio ke upar. अगर लीगल रिजर्व रेशियो हाई है तो वो कम क्रिएट करेगा, अगर लीगल रिजर्व रेशियो लो है तो वो ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगा. ठीक है, तो एग्जैक्टली कितना करेगा, दैट आई एम आल्सो कमिंग टू दैट. अभी के लिए आप समझ लो हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट मच मोर देन द अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स विद देम. सो लेट अस से मैंने अपने बैंक में 1000 रुपए का एक चेक जमा कराया, तो जिस बैंक में मैंने ये जमा कराया, यहाँ पे आप चाहे राउंड्स लिख लो चाहे बैंक्स लिख लो, मैंने ए बैंक में 1000 रुपए का एक चेक डिपॉजिट करा दिया. फॉर दैट बैंक इट इज अ प्राइमरी डिपॉजिट, उस बैंक के लिए ये क्या रहेगा, प्राइमरी डिपॉजिट रहेगा. अब ये बैंक के पास लीगली उसको 200 रुपए अपने पास और सेंट्रल बैंक के पास रखने हैं, तो ये उसकी हो गई 20 लीगल रिजर्व रेशियो. लेट अस सपोज गवर्नमेंट ने जो फिक्स आरबीआई ने फिक्स की हुई है दैट इज 20%.
200 लीगल रिजर्व रेशो रखने के बाद ये सब रुपीस करोड़ में डेटा है बेटे, उसने 800 रुपए का लोन दे दिया। 800 रुपए का लोन कैसे दिया? जिस पर्सन ने भी लोन लिया बैंक से उसके नाम का एक अकाउंट खोल दिया और 800 रुपए उसके एंट्री डाल दी कि आपके अकाउंट में 800 रुपए है, यू कैन यूज इट एज यू वॉन्ट। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास जो जो यहाँ पे नाम आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के, मैं उसी ऑर्डर में यहाँ पे पढ़ रही हूँ। अमरप्रीत ने ये 800 रुपए का लोन बैंक से ले लिया। ठीक है, अब अमरप्रीत को ईशान सानी से उसने कुछ गुड्स मंगवाए थे क्रेडिट पे, तो ये इसका सप्लायर था ईशान सानी। उसने अमरप्रीत ने अपनी फैक्ट्री का कोई रॉ मटेरियल ईशान सानी से मंगाया था जिसके लिए उसको 800 रुपए उसको पे ऑफ करने थे। तो अमरप्रीत ने बैंक से लोन लिया 800 रुपए का, बैंक ने इसके अकाउंट में 800 रुपए डाल दिए। अब अमरप्रीत ने क्या किया, ये 800 रुपए का एक चेक, हमने बेटे पहले ही अज्यूम किया था ऑल दी ट्रांजेक्शंस आर डन थ्रू बैंकिंग सिस्टम, तो 800 रुपए का चेक ईशान सानी को दे दिया। ठीक है, 800 रुपए का अमरप्रीत ने लोन लिया, 800 रुपए का चेक काट के ईशान सानी को दे दिया। ईशान के पास 800 रुपए का चेक आ गया, ये अब अपने बैंक में गया, इसका बैंक दूसरा है, बी बैंक है, इसने अपने बैंक में ये चेक डिपॉजिट करा दिया। बेटे जब मैंने चेक डिपॉजिट कराया था तो बैंक के लिए ये क्या था, प्राइमरी डिपॉजिट था। अब ये जो चेक ईशान सहनी ने डिपॉजिट कराया, ये उस बैंक के लिए क्या होगा, प्राइमरी डिपॉजिट होगा या सेकेंडरी डिपॉजिट होगा, बताइए एनीवन? फॉर बी बैंक दिस चेक ऑफ 800 रुपीज इट वुड बी प्राइमरी डिपॉजिट बेटे। ठीक है, ये प्राइमरी डिपॉजिट ही होगा उसके लिए क्योंकि चेक से आया है। जो भी अकाउंट चेक के द्वारा या कैश के द्वारा खोला जाता है वो बैंक के लिए प्राइमरी डिपॉजिट होता है। सो बी बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट 800 रुपए से बढ़ गया। अब बी बैंक इसका क्या करेगा, 20% ऑफ दिस 800 कम्स आउट टू बी 160। सो 160 एक्सेस कैश रिजर्व, सॉरी 160 लीगल रिजर्व रेशो रखने के बाद 640 रुपीज का इसके पास एक्सेस कैश रिजर्व बच जाएगा। ये इसको लेंड आउट कर देगा। ये अपने पास क्यों रखेगा, बी बैंक वो सरप्लस थोड़ी ना रखेगा, वो अपने पैसे को लेंड आउट करके इंटरेस्ट अर्न करेगा, इसके ऊपर अपना खर्चा चलाएगा, अपना प्रॉफिट अर्न करेगा। कमर्शियल बैंक्स बेटे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये कोई वेलफेयर करने के लिए नहीं खुली हुई, दीज आर प्रॉफिट। कमर्शियल का मतलब ही क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी which is done for the purpose of earning profit. So 640 rupees का ये loan कपिल लूथर को दे दिया गया। कपिल लूथर बैंक से लोन मांग रहा था, बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट 800 रुपए आया, तो उसने उसमें से ये अमाउंट रखने के बाद अपने पास 640 रुपीज का ये लोन कपिल लूथर को दे दिया। ठीक है, कपिल लूथर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 640 रुपीज। कपिल लूथर ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने थे। ठीक है, ये एक शॉप में गए, वहां पे इन्होंने देखा इनको पसंद आ गई चीज, इन्होंने 640 रुपीस की वो चीज ले ली और उसके नाम का चेक काट के दे दिया। जिस पर्सन से भी ली, मनरीत से ली, ठीक है, मनरीत को 640 रुपीस का चेक काट के दे दिया। अब मनरीत के पास ये 640 रुपीस आ गए, मनरीत क्या करेगी, चेक अपने पास रखेगी? नहीं, ये अपने बैंक में जाएगी, इसका नाम, बैंक का नाम है सी बैंक। सी बैंक में इसने अपना एक चेक लगा दिया 640 रुपीस का। सी बैंक के पास 640 रुपीस का प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ गया। सी बैंक 640 रुपीस का क्या करेगी, इसमें से 20% विच कम्स आउट टू बी 128 अपने पास रख लेगी, एंड रेस्ट अमाउंट विच कम्स आउट टू बी रुपीज 512 ये लेंड आउट कर देगी। ठीक है, पुलकित इज देयर, ही इज बीन आस्किंग लोन फ्रॉम द बैंक। बैंक ने कहा ठीक है मेरे पास पैसे आ गए हैं,
आई कैन गिव यू लोन, मैं इस इंटरेस्ट पे दूंगा, यू सेड इट्स ओके। कुल कितने 512 रुपए का लोन इस बैंक से ले लिया। क्यों लिया? इसने लेटर से घर परचेज करना था, वो घर था वंशिका के नाम, ठीक है। तो वंशिका को इसने 500, जब इसके अकाउंट में 512 रुपए के अमाउंट आ गई लोन की, तो इसने फटाफट अपनी ट्रांजैक्शन डन कर दी, डील डन कर दी और 512 रुपए का घर वंशिका से खरीद लिया, ठीक है। अब वंशिका, ये उसने क्या किया, वंशिका ने 512 रुपए का चेक अपने बैंक में, डी बैंक में लगा दिया। उस बैंक के पास 512 रुपए से प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ गया। अब 512 रुपए का आप 20% देख लो, 102.4, मैं इसको 102 मान के चलती हूँ, ठीक है। इसमें से ये लेस हो गया और 410 रुपए जो थे इस बैंक ने लैंड आउट कर दिए। जिसको लैंड आउट कर दिए, बेटे देखो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, ये 1000 रुपए एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। अब आप मेरे को ये बात बताओ कि जो इनिशियल डिपॉजिट था 1000 रुपीज का, जो कि मैंने अपना चेक या कैश देके बैंक में डिपॉजिट करवाया था, उसके बाद क्या इस इकोनॉमी में या कोई इस सिस्टम में इसके अलावा, इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज के अलावा कोई पैसे जमा कराए गए? एक्चुअल में कोई प्राइमरी डिपॉजिट जमा कराया गया कैश देके या चेक देके कराया गया, ठीक है। लेकिन डिपॉजिट बेसिकली ये 1000 रुपए का हुआ था। ये सारे 1000 जो मैंने रुपए जमा कराए थे, ये इकोनॉमी में या बैंकिंग सिस्टम में वही सर्कुलेट कर रहे हैं। गॉट इट और नॉट? पूरे बैंकिंग सिस्टम में बेटे ये 1000 रुपए ही सर्कुलेट हो रहे हैं, उसके बाद कुछ जमा नहीं हुआ। 1000 में से 200 रख के 800 लोन दे दिया, वही लोन वाला चेक दूसरे बैंक में जमा हो गया, उसमें से 160 रख के 640 का दे दिया, यही 640 का चेक तीसरे बैंक में जमा हो गया, इसमें से 128 रुपीस रख लिए, 512 रुपए लैंड आउट कर दिए, वही 512 रुपए फिर से जमा हो गए, ठीक है। सो दिस विल गो ऑन टिल दिस 1000 रुपीज विच वर से इनिशियली डिपॉजिटेड बाय मी, दीज आर एग्जॉस्टेड इन द एंड। जब ये nth राउंड कौन सा होगा बेटे? जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये जीरो पर नहीं आ जाता। जब ये जीरो पे आ जाएगा, उस nth राउंड में आप जब इसको ऐड करोगे, ये प्राइमरी डिपॉजिट को जब आप ऐड करोगे, इट्स टोटल अमाउंट विल बी 5000 रुपीज। दिस लीगल रिजर्व रेशियो विल बी 1000 रुपीज एंड दिस सेकेंडरी डिपॉजिट विल बी 4000 रुपीज। विच मीन्स 1000 रुपए मैंने जमा कराए थे, जिसके nth राउंड में 5000 रुपए बन गए। सो मनी सप्लाई जो कि 1000 थी, वो 5000 बन गई। 1000 रुपए जो मुझे सैलरी मिली थी लेटर से और मैंने कैश में जमा करा दिए थे अपने बैंक में, वो 1000 रुपए किसने प्रिंट किए थे? RBI ने प्रिंट किए थे। वो 1000 रुपए की सप्लाई का कंट्रीब्यूशन किसको जाता है? RBI को जाता है। लेकिन इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में टोटल मनी सप्लाई कितनी है? 5000 रुपीज है। कैसे है? मेरे से कोई पूछेगा कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, What is the stock of money held by you? मैं कहती हूँ मेरे 1000 रुपए का है, मेरा बैंक बैलेंस 1000 रुपए का है, ठीक है। उसके बाद अमरप्रीत से कोई पूछेगा, वो कहेगी 800 रुपए मेरे बैंक में पड़े हुए। ईशान से पूछेगा, वो कहेगा 640 रुपीज, ठीक है।
कपिल से पूछेगा वो बोलेगा 512 रुपए, क्योंकि इसके नाम का अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी हो गई, 5000, जिसमें से 1000 रुपए छापे आरबीआई ने और 4000 रुपए कमर्शियल बैंक्स ने क्रेडिट क्रिएट करके मनी सप्लाई में एडिशन करी। गॉट इट? सो इज इट राइट टू से दैट कमर्शियल बैंक्स आर ऑल्सो द सप्लायर ऑफ मनी और नॉट? Do you agree with me now? When I said commercial banks also create money, पर वो नोट नहीं छापते, नोट तो सिर्फ आरबीआई छापता है, तो फिर ये कैसे क्रेडिट, ये कैसे मनी सप्लायर में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। एंड वॉट हैपन्स विद यू नो प्राइमरी डिपॉजिट, विद से 1000 ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, they are able to create credit of 5000 rupees. अब कैसे पता चलेगा 1000 का 5000 बनेगा? 10000 भी बन सकता है, 20000 भी बन सकता है, या सिर्फ 2000 भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है। अब देखो यहां पे मनी मल्टीप्लाई हुई, कितनी मल्टीप्लाई हुई, 5 गुना मल्टीप्लाई हुई। 1000 थी इनिशियल डिपॉजिट और अभी कितने हो गए, 5000 हो गए, यानी मनी सप्लाई 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई। तो जितने गुना मल्टी मनी बढ़ती है बेटे, उसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। हैव यू मेड दिस टेबल ऑल ऑफ यू? शैलजा, गौरव, भवनीत, बेटे इज इट क्लियर? सो व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? राइट डाउन, मनी मल्टीप्लायर, जिसको हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कह देते हैं, ये 1 मार्क में बेटे आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है, सो राइट इट डाउन। मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट, amount of money that the banks are able to create in the form of deposits with every unit of money kept as reserve, with every unit of money kept as reserve। और अगर आपको सिंपल डेफिनेशन करनी है वो भी लिख लो। मनी मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स द रेशियो ऑफ टोटल एडवांसेस मेड एंड प्राइमरी डिपॉजिट्स, एंड प्राइमरी डिपॉजिट्स with commercial banks. It is the inverse of legal reserve ratio. Money multiplier कह लो, credit multiplier कह लो, बेटे इसकी definition, इसका ये formula बहुत ही important है, formula लिख लो। मैंने बताया it is the inverse of legal reserve ratio. So money multiplier or credit multiplier is equal to 1 over LRR, legal reserve ratio. So legal reserve ratio को हम small r से भी signify कर देते हैं, तो it becomes equal to, credit multiplier becomes equal to 1 over R. तो इस केस में देखो बेटे हमारा legal reserve ratio कितना था, 20% था। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी हमारी मनी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। हमारे पास 1000 रुपए हैं,
हजार के कितने आबड़ा का डाबड़ा करके कितने बन जाएंगे, जादू करके कितने बन जाएंगे, ठीक है? तो 1/लीगल रिजर्व रेशो 20%। तो बेटे जब नीचे परसेंटेज होती है ऊपर 1 होता है, कैन यू टेल मी 1/20% वुड बी व्हाट? एनीवन, मैथ स्टूडेंट्स सबको पता होना चाहिए वैसे तो। 1/20% नो वन? सुहानी 1/20% ओके वैभव, राइट राइट राणा। सो 1/20% इज इक्वल टू 5। हाउ वी हैव कैलकुलेटेड, राइट मौलिक? बेटे ये परसेंटेज है, इसको ऊपर ले गए 100 बन गया, 100/20 5। सो मनी विल मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, देख लो यहाँ पे 5 गुना बढ़ गई। टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट होगा उसका भी फॉर्मूला लिखो, क्रेडिट क्रिएशन। यहां तक आपको यह पता चला कि मनी 5 टाइम्स बढ़ी, तो टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट हुआ उसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए। प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/लीगल रिजर्व रेशो। तो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट कितना था, 1000, और हमारी लीगल रिजर्व रेशो कितनी है, 20%। सो 1/20% 5000 इंटू 5 रुपीज 5000। तो हमारा कितना क्रेडिट क्रिएट हुआ, 5000। नाउ दिस इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन क्रेडिट क्रिएशन। अगर यहां पर हमारा जो मॉनेटरी अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक आरबीआई, वो कहता है कि ऐसे करो लीगल रिजर्व रेशो कम कर दो, 10% कर दो, तो उस केस में देखो हमारा क्रेडिट कितना क्रिएट होगा। प्राइमरी डिपॉजिट है 1000, लीगल रिजर्व रेशो कम होके हो गई 10%, तो 1/10% कम्स आउट टू बी 100/10 10। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर आया 10, 10 गुना हमारी मनी मल्टीप्लाई होगी, 10 गुना किससे, इनिशियल डिपॉजिट 1000 थे, इसका मतलब अब कितना का क्रेडिट हम क्रिएट कर पाएंगे, 10,000 रुपए का हम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे अपने सिस्टम में। ऑन दी अदर हैंड अगर आरबीआई कहता है कि क्रेडिट क्रिएशन बढ़ा दो लीगल रिजर्व रेशो बढ़ा दो 25% कर दो, तो उस केस में हमारा क्रेडिट क्रिएशन देखो कितना होगा बेटे, 1000 into 1/25%। 1/25% means 4 times, 100/25 is 4, तो 1000 into 4 4000 rupees, कितने का क्रेडिट क्रिएट होगा, 4000 रुपए का क्रेडिट क्रिएट होगा। सो अगर हमने लीगल रिजर्व रेशो कम की तो ज्यादा क्रिएट हुआ, लीगल रिजर्व रेशो बढ़ा दी तो कम क्रेडिट क्रिएट हुआ, इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है बेटे, दिस वॉज अबाउट द क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। विद दिस हाफ ऑफ अवर चैप्टर्स, हाफ पार्ट इज ओवर, जिसमें सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन था कमर्शियल बैंक का। इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कंसर्न विद द सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विद दैट पार्ट ऑल्सो। विट इज सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स अथॉरिटी है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, सो इन इंडिया दिस आवर सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, इन यूएस इट इज फेडरल रिजर्व सिस्टम कॉमनली कॉल्ड एज फेड, इन इंग्लैंड इट इज बैंक ऑफ इंग्लैंड। ओके, टाइम इज अप, सो वी विल बी स्टार्टिंग इट विद टुमारो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।